हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो बच्चों की कुछ क्वेरीज़ को लेकर है। जैसे कुछ क्वेरीज़ मेरे पास आई थी कि सर जो 2022 के बच्चे हैं जो हैं या फिर जो 2023 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की कुछ क्वेरीज़ थी रिगार्डिंग कि सर शुड वी स्टडी सेल्फ और वी शुड ज्वाइन अ कोचिंग। ठीक है, तो मतलब ऐसे कुछ क्वेरीज़ हैं जिनको मुझे आज एड्रेस करना था। ठीक है, बाकी एक वीडियोस और आएगा कल जिसपे मैं 2020 में जो कट ऑफ गई है या फिर जो 2019 में जो कट ऑफ गई थी उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, तो मैं इन पे इस टॉपिक को भी एड्रेस करूंगा। बट आज का टॉपिक जो है 2022 और जो 2023 के लिए बच्चे हैं वो लोग सेल्फ पढ़ना चाहते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं उसको लेकर मैं आज का टॉपिक जो है कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर आप लोगों में से कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम लोग तो सेल्फ पढ़ते हैं, ठीक है, तो सेल्फ पढ़ने वालों के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे कि हाउ टू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब करके एक मैंने वीडियो बनाई हुए हैं। ठीक है, और आज का जो वीडियो मैं कवर कर रहा हूँ कि वी शुड ज्वाइन अ कोचिंग और नॉट, मतलब या तो सेल्फ पढ़ लें या फिर कोचिंग ज्वाइन करना सही ऑप्शन है या नहीं है, इस टॉपिक को मुझे कवर करना है। तो देखिए, अगर इस टॉपिक को मैं कवर करता हूँ तो मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ एन इंस्टीट्यूट कि मैं सिर्फ कोचिंग अपनी खुद की चला रहा हूँ तो मैं इसलिए इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इस टॉपिक को इसलिए कवर कर रहा हूँ कि ताकि बच्चों को जो इंपॉर्टेंस है वो इंस्टीट्यूट का कि आप लोगों को कोचिंग ज्वाइन करना है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आप किसी भी कोचिंग को अगर ज्वाइन करते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको आज कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर देखिए मैं बात करता हूँ कोचिंग और सेल्फ स्टडी में, तो अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना ही चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं उसके बेनिफिट क्या होते हैं। ठीक है ना, तो पहले उन चीज़ों को कवर करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ है ना, तो अगर कोचिंग की बात करें कि हमें कोचिंग क्यों ज्वाइन करना है ना, कि अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं रीज़न क्या है कि उसको ज्वाइन करूँ। ठीक है ना, तो देखिए आप अगर कहीं भी जाते हैं तो इंडिया में एडवाइस सभी देते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी जाएंगे इंडिया में तो एडवाइस आपको एक पान वाला भी आपको एक एडवाइस दे देगा है ना कि आप ये करें। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू शुड ज्वाइन अ कोचिंग, है ना। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले कन्फ्यूजन की, है ना, कि व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या है कि सेल्फ स्टडी है ना, जो कन्फ्यूजन शुरू होता है वो कहाँ से होता है, कन्फ्यूजन फॉर सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग। ठीक है ना, कि सबसे बड़ा जो आपका कन्फ्यूजन है कि सेल्फ स्टडी हो या फिर कोचिंग, दोनों के बीच में कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट होता है। तो देखिए कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी वजह आती है एक्सटर्नल एडवाइस। ठीक है ना, अगर आप एक्सटर्नल एडवाइस लेते हैं किसी से, ठीक है, एक्सटर्नल एडवाइस ले सकते हैं, दो रीज़न है ना सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बीच में जो चूज करने का ऑप्शन आता है बच्चों के पास, उसके दो रीज़न आते हैं। एक आता है फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस किसी की बात करें, या फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल एडवाइस की। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे एड्रेस करता हूँ, अगर आप एक्सटर्नल एडवाइस की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि एक पान वाला भी एड्रेस दे देता है, मतलब एडवाइस देता है ना। हो सकता है कि आपका कोई सीनियर है जिसने इस साल 2020 का निमसेट निकाला हो, ठीक है, उसने 2020 का निमसेट निकाला होगा, सेल्फ स्टडी करके निकाला होगा, ठीक है, तो आपको एक पीयर मोटिवेशन मिला होगा कि नहीं अगर उसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो देखो यार, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, हर इंसान का लेवल अलग होता है, ठीक है, हर इंसान, हर बच्चे का जो है अपना एक अलग लेवल होता है जानने समझने का, है ना, तो आप प्लीज़ अपने आप को उनसे कंपेयर ना करें, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आप सच में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आपको, तो फिर आप बिल्कुल क्या बोलते हैं सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करें, वो सबसे बेहतर है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आई थिंक कि आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना सबसे बेटर ऑप्शन है, ठीक है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको फाइनेंशियल कंडीशन है, तो फिर आप सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एंड एक्सटर्नल एडवाइस की अगर मैं बात करूँ, तो एक्सटर्नल एडवाइस प्लीज़ आप ऐसे लोगों से लें जिन्हें एक्चुअल में नॉलेज है, जिन्हें नॉलेज नहीं है आप उनसे एक्सटर्नल एडवाइस बिल्कुल ना लें, ठीक है। अच्छा, सेकेंड अगर मैं बात करूँ बेनिफिट की, ठीक है, कि अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग एन कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये आता है आपका डिसिप्लिन स्टडी में, ठीक है, डिसिप्लिन, अगर मैं बात करूँ डिसिप्लिन स्टडी, है ना, तो अगर आप कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको एक डिसिप्लिन मिलेगा, है ना, एक डिसिप्लिन होता है कि नहीं ठीक है हम लोगों को इतने महीने में आपकी कोचिंग का जो टाइमिंग वो शेड्यूल होगा वो फिक्स होगा कि इस टाइम से इस टाइम पे कोचिंग लगेगी, इस टाइम से आपको पढ़ना है ना, और आपका एक जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिसाइडेड होगा। फिर सेकेंड बात पे एक सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिक्स जो है आपका, ठीक है, सीक्वेंस ऑलरेडी डिसाइडेड होगा कि आपको किस टाइप से आपकी स्टडी जो है वो चलने वाली है, मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स
हैं सीक्वेंस के, वो कैसे चलने वाले हैं, तो वो डिसाइडेड होगा। ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करूँ मटेरियल की, ठीक है, अगर मैं थर्ड टॉपिक कवर करूँ दैट इज़ मटेरियल, ठीक है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको जो मटेरियल मिलेगा दैट विल बी दैट कम्प्लीटली, मतलब वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, है ना। अगर आप किसी बुक को रैंडमली उठाते हैं फिर उससे पढ़ाई करते हैं, है ना, तो वो फ्लो ऑफ चैप्टर जो है वो आपको बेटर मिलेगा मटेरियल में, है ना। मैं अगेन ये बता दूँ कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बिकॉज आई एम दी ओनर, है ना, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो भी निमसेट का सिलेबस है आने वाले टाइम में 2022-23 के जो बच्चे हैं, सारा का सारा मैथमेटिक्स का रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, वो मेरी तरफ से ही डाला जाएगा। ठीक है, अभी कुछ समय से प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, बट तब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर वीडियो मिले आप लोगों को। बट ये जो चीज़ें हैं मैं आपको अभी बता दूँ कि अगर आप सेल्फ और कोचिंग ज्वाइन करने में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आज उनका हेल्प करने वाला है, जो जिन बच्चों को दिक्कत है कि वो कोचिंग में जाके ज्वाइन करें या फिर सेल्फ स्टडी कर पाएँ, जो 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ फ्लो ऑफ चैप्टर्स हो जाता है हमारा। ठीक है, एक्सटर्नल एडवाइस आपको नहीं लेना है, आप डिसिप्लिन स्टडी आपको कोचिंग में मिल जाता है, फिर आप सीक्वेंस प्रॉपर होते हैं आपके पास, आपके पास एक अच्छा मटेरियल मिलता है आपको। फिर उसके बाद अगर मैं फोर्थ बात करूँ तो दैट इज़ मॉक टेस्ट। ठीक है ना, ठीक है, मॉक टेस्ट कुछ बच्चे जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है क्या बोलते हैं हम लोग सेल्फ स्टडी करके जो है मॉक टेस्ट कहीं से बाहर से परचेस कर लेते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखिए कुछ इंस्टीट्यूट की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, मतलब अब कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, बट उनकी एक टेंडेंसी होती है वो क्या कि जो वहाँ के कोचिंग के बच्चे होते हैं, जो उनके यहाँ के जो बच्चे होते हैं उन्हें तो बढ़िया टेस्ट सीरीज़ मिलती है, उन्हें तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि यार उनकी कोचिंग के बच्चे हैं, उन्हें एक अच्छा रिजल्ट निकाल के देना है। बट अगर वो कोई और उनके यहाँ से सिर्फ मॉक टेस्ट अकेले खरीदता है, कोचिंग ज्वाइन नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक अपना एक रुतबा या फिर मैं बोलूँ कि एक अपना इमेज बनाने के लिए बच्चे के सामने कि ठीक है यार पेपर बहुत टफ देते हैं। ठीक है ना, तो देखो अगर मैं निमसेट के पैटर्न की बात करूँ तो निमसेट में करीबन 40 से लेकर 60% तक पेपर जो ईजी आता है, 40 से 60% तक पेपर ऐसा रहता है कि ठीक है बच्चे नॉर्मली अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ 60 से लेकर 80% मॉडरेट होता है और आखिरी में 20% पेपर जो होता है वो टफ होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी से मॉक टेस्ट लेते हो या मॉक टेस्ट सीरीज़ लेते हो तो आप एक बार नोटिस करना कि उनकी जो 80% क्वेश्चन होते हैं ना वो टफ होते हैं, 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ होते हैं। उस टफ के कारण क्या होता है, टफनेस के कारण बच्चों को लगता है यार ये मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया है, हमने तो 80% टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको निमसेट एग्जाम देना है तो आप निमसेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही टेस्ट सीरीज़ लेंगे ना, जैसा पेपर है वैसा अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर मतलब क्या है। ठीक है ना, तो ये एक टेंडेंसी अलग चलती है। ठीक है, तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जहाँ से भी मॉक टेस्ट लें उनसे देख लें कि क्या वो निमसेट के बेस पर पेपर है या नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा इनके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कवर की जा सकती हैं, मतलब अगर मैं बेनिफिट ऑफ कोचिंग की बात करूं, ठीक है, तो आप इसमें एक मोटिवेशन ले सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं मोटिवेशन की, ठीक है, पीयर मोटिवेशन जिसे हम बोलते हैं, पीयर मोटिवेशन मतलब आप इसको ऐसे समझें कि आप और आपके दोस्त ने कोचिंग ज्वाइन की। ठीक है, मान लीजिए कि आपका दोस्त जो है वो काफ़ी अच्छा पढ़ता है। ठीक है, वो कोचिंग में जाके करीबन 2 से 3 घंटे जो लेक्चर अटेंड करता है, ठीक है, फिर रूम पर आके कम से कम 6 आवर्स और अपनी तरफ से देता है। ठीक है, मतलब 2-3 आवर्स अपनी तरफ कोचिंग में जो लेक्चर लिए जाएंगे वो प्लस 6 आवर्स वो घर आके भी और पढ़ता है, तो ये करीबन 8 आवर्स की स्टडी वो पर डे देता है। बट क्योंकि आप उसके रूममेट हैं, आप उसके साथ रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको देख के आपको भी मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आप बोल सकते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल जाता है। बट अगर मैं घर पे बात करूँ, ठीक है, घर पे अगर मैं बात करूँ तो अगर आप हम लोगों ने स्कूल टाइम में सभी ने पढ़ाई की होती है, अगर मैं घर पे 2 से 3 घंटे भी मैं टाइम देता हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार मैंने तो बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, मतलब जो एनवायरमेंट है आपके आसपास के जो दोस्त होंगे जो अगर मैं तैयारी कर रहे हैं सेल्फ में, तो आप देख सकते हैं कि यार वो तो आसपास घूमते रहते हैं, कई बार वो 2 घंटे पढ़ते हैं फिर 3 घंटे घूम रहे हैं, तो ऐसे करने में क्या होता है कि बच्चों को लगता है यार वो तो पढ़ता ही नहीं है, मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन वो भी निमसेट देने वाला है, मैं भी देने वाला हूँ, लेकिन मैं 2 से 3 घंटे रोज पढ़ता हूँ, वो तो पढ़ता ही नहीं, मतलब मेरे चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये गलत फहमी क्यों है, क्योंकि आप उनके चक्कर में, जो बच्चे कोचिंग में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उनके कंपैरिजन में आप कम टाइम दे रहे हो। ठीक है ना, उनका जो एक जो रूटीन फिक्स है ना, फिक्स रूटीन की जो बात आती है, वो रूटीन उनका फिक्स है, आपका नहीं है। आप कभी भी दिन में 4 घंटे पढ़ लोगे तो फिर अगले दिन 2 घंटे पढ़ोगे, तो जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मतलब अगर आप घर पे रह के पढ़ाई करते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे पहली जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ डाउट क्लियरिंग। ठीक है, डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप YouTube से पढ़ते हैं, आप कहीं से भी पढ़ें, ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे YouTube से पढ़ते हैं तो मैं उनको नंबर दे देता हूँ कि ठीक है अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बिल्कुल कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं। बट अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप डाउट क्लियरिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि YouTube से पढ़ते समय आपको कोई दिमाग में डाउट चल रहा है, फिर आप क्या करेंगे, उसे गूगल पर सर्च करेंगे, आप शायद मे बी डाउट नेट पर देखेंगे या फिर बहुत सारी जगह होती हैं आजकल सोशल मीडिया पर, ठीक है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन इन सबको करने में जो टाइम वेस्ट हुआ और जो रोज़ होगा, क्योंकि आप नए नए टॉपिक पढ़ेंगे तो रोज़ होगा, हर टॉपिक में होगा, वो शायद एक मिनट में सॉल्व हो सकता था आपके इंस्टीट्यूट में, क्योंकि आपके टीचर आपके सामने था, आप उससे वो डाउट पूछते थे, वो बता देता कि हाँ ये चीज़ करनी है तो ऐसे करनी है, और अगर नहीं करनी तो वो पहले मना कर देते, नहीं इट्स नॉट इन द सिलेबस, प्लीज़ ओमिट इट। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डाउट क्लियरिंग की जो बात आ रही है, इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है कि आपको डाउट क्लियरिंग के लिए वक्त मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो गाइस आई थिंक यू शुड ज्वाइन अ कोचिंग। ठीक है, वेदर इट इज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन, बट यू शुड ज्वाइन। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक डिसिप्लिन मिलेगा, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, आपके डाउट क्लियर होंगे, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू बी डन, राइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो बाकी अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं, आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, तो यू मस्ट गो फॉर यूट्यूब, आप यूट्यूब से पढ़ें, कोई बुराई नहीं उसमें, बट आई थिंक अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो बेटर होगा कि आप लोग ऑफलाइन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें टाइम सेविंग, और उसके बाद मैं बात करता हूँ मोनोटोनिसिटी, है ना, जैसे अगर बच्चा कोई घर पे बैठा है, ठीक है, अगर वो घर पे है ना, तो टाइम मोनोटोनस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब क्या होता है कि अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो 2 से 3 घंटे आप पढ़ते हैं, ठीक है, 2 से 3, 4 घंटे मैक्सिमम 5 घंटे पढ़ेंगे तो फिर एक टाइप से बोरिंग होने लगता है, बच्चा बोर होने लगता है ना, बोरिंग आने लगती है। तो ये जो चीज़ें हैं, है ना, कि आप बोर हो रहे हैं, बोरनेस जो आ रही है उसको हटाना है, तो वो मोनोटोनस जो टाइम होता है आपका, मोनोटोनिसिटी जो आपके अंदर डेवलप होती है उसको हटाना पड़ेगा। तो वो सब टाइम जो सेविंग है सेल्फ स्टडी में जो नहीं मिल पा रहा है उसको आप एलिमिनेट करें और फिर उस पे अकॉर्डिंग आप कोशिश करें। ठीक है, बाकी अगर कोई मुझसे पूछता है कि नहीं ठीक है विच इज़ बेटर कि आप कोचिंग ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें, तो मैंने सेल्फ स्टडी को लेकर वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने फ्लो ऑफ चैप्टर, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड, और मैंने ये भी बताया कि जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए जाएं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आई थिंक यू मस्ट ज्वाइन अ कोचिंग। है ना बच्चों, जिन लोगों ने मुझसे सवाल किया था तो मुझे लगता है कि शायद मैंने उनके सवालों का काफ़ी जवाब दिया है। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। पहला, द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिस टीचर्स जो जिस कोचिंग में आप जाने वाले हैं वो टीचर का लेवल कि हाँ एक्चुअली वो आपको सिखा पा रहे हैं नहीं सिखा पा रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड द मटेरियल, है ना, जो कोचिंग का मटेरियल है वो कैसा है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद वहाँ से मिलने वाली जो टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या बेनिफिट है, लाइक डिसिप्लिन, आपका फ्लो ऑफ चैप्टर्स का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको ये जो डाउट क्लियरिंग फैसिलिटीज़ हैं कि वो टीचर आपके डाउट क्लियर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। और उसके बाद अगर आप हैं तो बिल्कुल आप कोचिंग ज्वाइन करें, और अगर किसी को लगता है कि नहीं देर मतलब बहुत ज़्यादा फीस है कोचिंग वगैरह के इंस्टीट्यूट की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं, ठीक है, लाइक मई, ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, और आई थिंक कि इन चीज़ों के लिए काफ़ी है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि 2020 का जो पेपर आया था, 2019 की जो कट ऑफ गई थी, उन दोनों पर कंपैरिजन को लेकर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा आपको, उस पर बताऊंगा कि 2020 में ऐसा क्या किया जिस वजह से इतनी ऊपर रैंक चली गई, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है जनरल की, ऐसा क्यों हो रहा है ना, या फिर 2021 में कैसा होगा, तो इस बारे में मैं बहुत जल्द, या तो मे भी आपको कल ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।